गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने हमारा जो पाठ चल रहा था, पाठ 11, बकरी और भेड़िया, उसके हमने कुछ प्रश्न उत्तर कर लिए थे। पिछली कक्षा में हमने क्या क्या किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पाठ को समझे में प्रश्न एक किया था, उचित विकल्प पर राइट का निशान लगाओ, है ना। जिसमें हमने क ख और घ प्रश्न किया था कि बकरी रोज सुबह कहाँ जाती थी, तो जंगल जाती थी। बकरी के कितने बच्चे थे, तो जिसका सही उत्तर था 4। और घ प्रश्न था कि बकरी सींग पहने कराने किसके पास गई थी, तो उसका सही उत्तर था बढ़ई। उसके बाद प्रश्न 2 हमने किया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसके हमने 4 मौखिक प्रश्न किए थे। 4 प्रश्न थे जिसमें क प्रश्न था कि बकरी ने बच्चों के नाम क्या नाम रखे थे, तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि बकरी ने जो है बच्चों के नाम आले बाले पालू और मालू रखे थे। उसके बाद ख प्रश्न था कि बकरी जो थी वो बड़ई के पास क्यों गई, तो उत्तर हमने लिखा कि बकरी जो थी वो बड़ई के पास अपने सींग पहने कराने के लिए गई। फिर घ प्रश्न पड़ा था कि भेड़िए से बच्चे पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का क्या तरीका निकाला, तो उसका उत्तर हमने लिखा था कि भेड़िए से बच्चे वापस पाकर बकरी ने उनकी सुरक्षा का यह तरीका निकाला कि रोज सुबह बाहर जाने से पहले वह उन चारों को धीरे से बताकर जाती थी कि आज दरवाजा खोलने के लिए वह कितनी बार कहेगी। उसके बाद घ प्रश्न क्या था, हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार क्यों रहना चाहिए, तो उत्तर क्या था इसका कि हमें दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में किसी की सहायता करना अच्छी बात है, भविष्य में हम भी किसी मुसीबत में जो है फंस सकते हैं, तो हम उस समय हमारी भी मदद करने कोई ना कोई अवश्य आएगा। हमें सदैव एक दूसरों की सहायता की आवश्यकता बनी रहती है। तो यहाँ तक जो है हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज की कक्षा में हम लिखित प्रश्न उत्तर सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क प्रश्न है, बकरी क्या सोचकर चिंतित थी, यानी कि बकरी को किस बात की चिंता थी, तो उत्तर हम क्या लिखेंगे। जैसे सबसे पहले आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, तो सबसे पहले कॉपी में काम करते समय आप कक्षा कार्य लिखोगे। पहले प्रश्न उत्तर मैं आपको समझा देती हूँ, फिर काम किस तरह से करना है वो मैं समझा दूंगी। तो लिखित प्रश्न का क प्रश्न क्या है कि बकरी क्या सोचकर चिंतित थी, तो उत्तर हम क्या लिखेंगे कि बकरी ने देखा कि उसके घर के आसपास एक भेड़िया घूमता रहता है। उसने अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वह उससे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वह चिंतित थी, यानी भेड़िए से अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वह चिंतित थी। तो क्या मतलब बकरी जो थी उसको किस बात की चिंता थी, क्या सोचकर वो चिंतित थी। वो ये सोच रही थी कि उसके घर के आसपास एक भेड़िया जो है वो घूमता रहता है, और उससे अपने बच्चों को वो किस तरह बचाए, उनकी सुरक्षा किस तरह से करे, उस बात को लेकर वो चिंतित थी। फिर ख प्रश्न क्या है, बकरी ने बच्चों की सुरक्षा का क्या उपाय किया, यानी बकरी को चिंता तो थी बच्चों की, फिर उसने एक निष्कर्ष निकाला था अपने बच्चों की सुरक्षा वो किस तरह से करेगी, उसका उसने क्या उपाय जो है सुलझाया था, उसको क्या क्या उपाय उसने उस चीज का किया, वो अब मैं बताना है। प्रश्न क्या है कि बकरी ने बच्चों की सुरक्षा का क्या उपाय किया, तो उत्तर हम लिखेंगे बकरी ने बच्चों की सुरक्षा के उपाय करते हुए अपने घर के लिए दरवाजा बनाया और बच्चों को समझा दिया कि जब तक वह आवाज ना दे वे लोग दरवाजा ना खोले। तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो वो दरवाजा बनाया और बच्चों को यह भी समझा दिया था कि जब तक वो दरवाजा खोलने को ना बोले, जब तक वो आवाज ना दे, तब तक जो है वो दरवाजा, उसके जो बच्चे हैं वो दरवाजा ना खोले। उसके बाद घ प्रश्न क्या है, घ प्रश्न है, भेड़िया बकरी के घर का दरवाजा खुलने का रहस्य कैसे समझ पाया, यानी कि कई दिनों तक जो बकरी थी वो बच्चों को बोलती थी दरवाजा खोलने को, तो मतलब जो भेड़िया था उसे कैसे पता चला कि जो है बकरी कैसे बकरी ने अपने बच्चे को क्या समझाया है, क्या नहीं समझाया है, कितनी बार वो खोलने को बोलती है, या ऐसा क्या बोलती है तभी बच्चे जो है दरवाजा खोलते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, भेड़िए ने पेड़ के पीछे खड़े होकर बकरी की सारी बातें सुन ली थी, इस प्रकार वह बकरी के घर का दरवाजा खुलने का रहस्य
समझ गया था। तो भेड़िए ने क्या किया था, एक पेड़ के पीछे वो खड़ा हो गया था और उसने बकरी और उसके बच्चों की सारी बातें सुन ली थी, और इस प्रकार जो है वह बकरी के घर का दरवाजा खुलने का रहस्य समझ गया था। उसे ये बात पता चल गई थी कि बकरी क्या बोलती थी, आले दरवाजा खोलो, बाले दरवाजा खोलो, पालू दरवाजा खोलो, मालू दरवाजा खोलो, ये लाइन वो बोलती थी। वही की वही लाइन जो है उस भेड़िए ने भी कही थी। इस तरह से जो बच्चे हैं वो एक बार फंस गए थे। अब है घ प्रश्न, भेड़िए ने बकरी के घर में घुसकर क्या किया, यानी कि जो भेड़िया था वो बकरी के घर में घुस जाता है, पहले तो उसका रहस्य जान लेता है, फिर उसके घर में घुसकर यानी बकरी के घर में घुसकर जो है भेड़िए ने क्या किया था। तो क्या लिखेंगे, भेड़िए ने बकरी के घर में घुसकर उसके चारों बच्चों को एक एक करके खा लिया, यानी पहले आले बाले को, फिर पालू और मालू को उसने एक एक करके सबको खा लिया था। तो वो वैसे भी उसका मकसद क्या था कि वो बकरी के जो बच्चे हैं उनको खा लेगा, क्योंकि उसको जोरों की भूख लगी थी। तो उसको याद आया कि जो बकरी के चार बच्चे हैं, रहस्य उसको पता था, तो उस रहस्य से वो क्या करता है, दरवाजा पहले खुलवा लेता है बच्चों से और एक एक करके फिर बकरी के चारों बच्चों को खा लेता है। फिर है ड प्रश्न, बकरी ने अपने बच्चों को वापस कैसे पाया। अब जब भेड़िए ने बच्चों को खा लिया था, उसके बाद जो बकरी थी उसने अपने बच्चों को वापस कैसे पाया, यानी उसको अपने बच्चे वापस कैसे मिले होंगे। बकरी ने अपने पैने सींगों से यानी अपने तीखे सींगों से भेड़िए का पेट चीर कर अपने चारों बच्चों को वापस पाया। तो हमने पाठ में पढ़ा कि जो बकरी होती है थोड़ा पहले पीछे जाती है, फिर दौड़ते हुए जो है भेड़िए के पेट में अपने सींग डाल देती है, और सींग कैसे होते हैं उसके, एकदम तीखे। तो इस तरह से जो भेड़िया होता है उसका पेट फट जाता है और चारों बच्चों जो होते हैं उसमें से निकल आते हैं। तो कैसे पाया बच्चों को बकरी ने वापस, बकरी ने अपने पैने सींगों से भेड़िए का पेट चीर कर अपने चारों बच्चों को वापस पाया। तो ये जो प्रश्न उत्तर है काफी सरल प्रश्न है, जो हमने पाठ में कहानी पढ़ी है वही कहानी को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर लिखने हैं। तो लिखित के 5 प्रश्न पूछे गए, वो हमने कर लिए। अब हम करेंगे भाषा को समझे, इसके जो प्रश्न उत्तर है वो, यानी कि यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दे रखी है उसे हमें भरना है। तो प्रश्न एक क्या है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। रेखांकित यानी अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि जो ये वर्ड है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है यानी कि अंडरलाइन की हुई है, ठीक है, शब्दों के नीचे लाइन की हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखांकित शब्द। तो इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं, और इस तरह से आपको लिख करके वाक्य पूरा करना है। तो क क्या है, उनका घर बड़ा नहीं छोटा था, तो बड़ा का विलोम शब्द क्या होता है, छोटा। तो हम यहाँ लिखेंगे उनका घर बड़ा नहीं छोटा था। फिर ख है, वह सुबह जंगल जाती और रिक्त स्थान को लौटती। तो सुबह, सुबह के नीचे इन्होंने क्या किया है, रेखांकित किया है यानी सुबह शब्द को, तो सुबह का विलोम शब्द क्या होता है, शाम। तो हम लिखेंगे वह सुबह जंगल जाती और शाम को लौटती। फिर घ है, बकरी घर के आगे खड़ी थी और भेड़िया पेड़ के रिक्त स्थान। तो जो आगे शब्द है उसको रेखांकित किया गया है, तो आगे शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा शब्द क्या होता है, आगे का होता है पीछे। तो हम लिखेंगे बकरी घर के आगे खड़ी थी और भेड़िया पेड़ के पीछे, तो यहां लिखेंगे पीछे। फिर घ प्रश्न, घ क्या है वाक्य, बकरी उदास थी और भेड़िया रिक्त स्थान था। तो उदास शब्द के नीचे क्या किया है, लाइन खींची यानी रेखा खींची हुई है, तो उदास शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, प्रसन्न, या खुश भी लिख सकते हैं, खुश भी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं प्रसन्न, दोनों का ही अर्थ क्या होता है, दोनों का अर्थ ही होता है खुश या प्रसन्न, दोनों का अर्थ एक ही है। फिर ड है, भेड़िए से निबटना यानी कि उससे क्या करना, उससे निबटना यानी कि उसको वापस कैसे, जो बकरी है अपना अपने बच्चों को वापस कैसे पाए, यानी भेड़िए को कैसे उसको वो सजा दे। भेड़िए से निबटना कठिन था,
इतना रिक्त स्थान नहीं। तो कठिन शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, तो कठिन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? सरल, सरल कठिन, कठिन सरल। तो इस तरह से जो है ये विलोम शब्द आपको अपनी कॉपी में तो करने ही है, बुक में भी आपको साथ साथ में भरते जाना है। अब कॉपी में किस तरह से करोगे वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर ये हमने अभी पढ़े। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन आंसर हो गए, ड तक प्रश्न कर लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और हेडिंग लगाओगे भाषा को समझे, फिर प्रश्न एक लिखोगे, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। तो क क्या है? उनका घर बड़ा। तो बड़ा शब्द को आपको इस तरह से अंडरलाइन करना है, किस तरह से? एक पूरी कंटिन्यू जो है एक आपको रेखा खींचनी है, लाइन खींचनी है, और जो विलोम शब्द होगा उसके नीचे डैश डैश करके रेखा खींचनी है। समझ गए? तो क्या लिखोगे? उनका घर बड़ा नहीं छोटा था। बड़ा का विलोम शब्द होता है छोटा। उसके बाद है ख, वह सुबह जंगल जाती और शाम को लौटती। तो सुबह का क्या होता है? शाम। फिर बकरी घर के रिक्त स्थान नहीं, बकरी घर के आगे, तो आगे शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? बकरी घर के आगे खड़ी थी और भेड़िया पेड़ के पीछे। फिर घ है, बकरी उदास थी और भेड़िया रिक्त स्थान था। तो भेड़िया क्या था? प्रसन्न। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर खुश भी लिख सकते हैं, प्रसन्न भी लिख सकते हैं, पर अभी कॉपी में मैंने आपको प्रसन्न लिखवाया है, तो आप क्या लिखोगे? प्रसन्न। फिर ड है, भेड़िए से निबटना कठिन था, इतना रिक्त स्थान नहीं। तो कठिन का विलोम शब्द होता है सरल। तो आप क्या लिखोगे? भेड़िए से निपटना कठिन था, इतना सरल नहीं। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न किए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखित प्रश्न किए, जिसका क प्रश्न क्या था? बकरी क्या सोचकर चिंतित थी। तो उत्तर क्या लिखोगे? बकरी ने देखा कि उसके घर के आसपास एक भेड़िया घूमता रहता है, उससे अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर वह चिंतित थी। फिर ख प्रश्न कि बकरी ने बच्चों की सुरक्षा का क्या उपाय किया? तो उत्तर क्या लिखेंगे? बकरी ने बच्चों की सुरक्षा के उपाय करते हुए अपने घर के लिए दरवाजा बनाया और बच्चों को समझा दिया कि जब तक वह आवाज ना दे वे लोग दरवाजा ना खोले। फिर घ प्रश्न क्या है कि भेड़िया बकरी के घर का दरवाजा खुलने का रहस्य कैसे समझ गया? तो उत्तर हम लिखेंगे कि भेड़िए ने पेड़ के पीछे खड़े होकर बकरी की सारी बातें सुन ली थी, इस प्रकार वह बकरी के घर का दरवाजा खुलने का रहस्य समझ गया था। फिर घ क्या है प्रश्न कि भेड़िए ने बकरी के घर में घुसकर क्या किया? तो उत्तर हमने क्या लिखा कि भेड़िए ने बकरी के घर में घुसकर उसके चारों बच्चों को एक एक करके खा लिया। फिर ड प्रश्न है, बकरी ने अपने बच्चों को वापस कैसे पाया? तो उत्तर हमने क्या लिखा? बकरी ने अपने पैने सींगों से, यानी तीखे सींगों से भेड़िए का पेट चीर कर अपने चारों बच्चों को वापस पाया। तो पांच प्रश्न पूछे थे, पांचों ही हमने कर लिए। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न लिखने के बाद उसका जब उत्तर हो जाता है और अगला प्रश्न आप शुरू करने वाले हो, तो उसके बीच में एक लाइन आपको छोड़नी होती है, ताकि आपको समझ आए कि अलग उत्तर के बीच में आप डिफरेंस आपको समझ आए, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है बच्चों, और कॉपी का काम भी एकदम सुंदर होता है। तो इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर करने, फिर प्रश्न उत्तर हो गए, अब हम करेंगे नेक्स्ट हेडिंग को ही क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? पार्ट को समझ लिया हमने, अब हम भाषा को समझेंगे। भाषा को समझे हेडिंग लिखी, फिर प्रश्न एक लिखा, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। क क्या है? उनका घर बड़ा नहीं छोटा था, तो बड़ा का विलोम शब्द छोटा होता है। फिर ख है, वह सुबह जंगल जाती और को लौटती, तो सुबह का विलोम शब्द होता है शाम, तो हम लिखेंगे सुबह शाम, वह सुबह जंगल जाती और शाम को लौटती। फिर घ है, बकरी घर के आगे खड़ी थी और भेड़िया पेड़ के पीछे, तो आगे का विलोम शब्द होता है पीछे। फिर घ है, बकरी उदास थी और भेड़िया प्रसन्न था, तो उदास का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसन्न।
फिर ड है भेड़िए से निपटना कठिन था, इतना सरल नहीं। तो कठिन का विलोम शब्द क्या होता है? सरल। तो इस तरह से जो है आज आपको ये प्रश्न करने हैं, ठीक है? एक दिन में आप इतना ही कर सकते हो, तो मैं आपको इतने ही क्वेश्चन काम इतने क्वेश्चन करने के लिए दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आज की कक्षा में जो प्रश्न होता मैंने आपको समझाए वो आप अच्छी तरह से समझ गए हो, और आपको काम किस तरह से करना है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली कक्षा में यानी अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बाकी के जो प्रश्न बच गए हैं बुक के, वो उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।